हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस मेरे पास है मोटो का फ़ोन है फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है गाइस, एंड ऊपर की स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है सिस्टम का, तो उस पर क्लिक करेंगे। और इसमें ये होता है कि अगर पासवर्ड मतलब वाईफाई कनेक्ट करने के बाद भी नेट नहीं चल रहा तो उसको सॉल्व करना बता रही गाइस। एंड सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है रीसेट ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर दिखता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, एंड उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी क्लिक करना दोबारा। उसके बाद जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, तो उसे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद फिर रीसेट सेटिंग भी क्लिक करना। उस तरीके से आपको जो नेटवर्क सेटिंग और रीसेट हो जाता है, जब नेटवर्क सेटिंग रीसेट होगा तो जो प्रॉब्लम होता है नेटवर्क से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाता है, जैसे कि वाईफाई प्रॉब्लम या फिर ब्लूटूथ प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व हो जाता है। और गाइस इस तरह की सभी जो है तीनों प्रॉब्लम मतलब कि एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं, जब भी नेटवर्क को रिसीव करते हैं तो ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाता है। सो गाइस इस तरीके से दोबारा कनेक्ट करेंगे वाईफाई को तो सही चलेगा। तो इसी तरीके से जो है इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।